कैसी कृष्णा, मैं आपके साथ अंजलि पटेल इंफिनिटी सॉल्यूशन अड्डा से। तो आप भी क्या इतनी तेज हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग मिक्स करना चाहते हैं? तो इसके लिए मैंने एक इसमें एमएस वर्ड में आप लोग बहुत आसानी से, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत तेज़ी से स्पीड से आप टाइपिंग कर सकते हैं, आपकी स्पीड ब्रेक नहीं होती है। क्या अपन हिंदी इंग्लिश बार बार करते हैं ना, ऊपर से यहाँ से जाकर तो बहुत टाइम लगता है फॉन्ट में, फिर डायलॉग्स बॉक्स में जाओ और फिर हिंदी इंग्लिश करो तो बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप आसानी से हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को मिक्स करके एक अपनी शॉर्टकट की बना के आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार हिंदी इंग्लिश करने की प्रॉब्लम नहीं जाएगी और आप लोग आसानी से स्पीड तेज स्पीड में आप टाइपिंग कर सकते हैं, आपका हाथ कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो इसके लिए मैं सबके आसान तरीका आपको बताती हूँ कि कैसे होगा, ठीक है? अभी आपने देखा है कि कैसे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मैंने एक की दबा रही थी और हिंदी और इंग्लिश चेंज होते जा रहा था, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे होता है। चलिए आइए फ्रेंड्स, मैं आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन सबसे पहले देखेंगे कि अपन ने ये जो सेटिंग होती है वो एक्चुअली में होती है अपनी माइक्रो की सेट, माइक्रो जो ओएमएस ऑफिस में दिया जाता है उसमें अपन सेटिंग करते हैं तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग दे देता है, ठीक है? अपन ने जैसे कुछ लिखा है फिर इसके आगे अपन को इंग्लिश चाहिए तो अपन यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ पर जा करके और फिर इसमें करेंगे तब इंग्लिश चालू होगी, और फिर हमको हिंदी चाहिए तो फिर हमको यहाँ जाना पड़ता है, फिर हिंदी चालू होती है। तो ये क्या अपना हाथ ब्रेक होता है, इसलिए अपन को सबसे अच्छा तरीका, मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ, आप बहुत आसानी से हिंदी इंग्लिश मैटर टाइप कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना कर्सर रखेंगे, उसके बाद आप जाएंगे व्यू में, व्यू में जाने के बाद आप यहाँ मैक्रोज में जाएंगे, यहाँ पर जा करके आप रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैक्रो नंबर वन आ जाएगा, आप यहाँ पर जाके कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ प्रेस न्यू शॉर्टकट की में, आप शॉर्टकट की खुद बना सकते हैं, यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट की आसान लगे हिंदी और इंग्लिश के लिए, मतलब एक कोई की लगेगी जिससे आप एक प्रेस करेंगे और आपका या इंग्लिश या हिंदी आ जाएगा। तो अपन शॉर्टकट की कैसे बनाएंगे, मान लो यहाँ पर मैंने कर्सर रख दिया और यहाँ मैंने कंट्रोल दबाए दबाए मतलब कंट्रोल को प्रेस करके यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे देती हूँ, मैं नंबर की से वन दे देती हूँ, या वन ना देके मैं इसको फोर दे देती हूँ, ठीक है? फोर दे देती हूँ, जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ से प्रेस करें, इसको असाइन करें, ये यहाँ पे आ गया करंट की पे, और इसको क्लोज कर रहे हैं। अभी ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? अपन जाएंगे यहाँ होम पर, यहाँ पर जाके अपन टाइम्स न्यू रोमन इसको लगा लेंगे और यहाँ पर फॉन्ट कर लेंगे 12, ठीक है? ये इंग्लिश फॉन्ट अपना रिकॉर्ड हो चुका है, और यहाँ मतलब प्रेस कंट्रोल प्रेस फोर करेंगे तो ये इसमें इसको पहले स्टॉप कर देंगे अपन, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो अब ये इंग्लिश फॉन्ट आपका रिकॉर्ड हो चुका है। अब आपको हिंदी फॉन्ट रिकॉर्ड करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, फिर से जाएंगे माइक्रोज में, इसको रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे, उसके बाद फिर कीबोर्ड में जाएंगे, आप कीबोर्ड में जाके यहाँ पे बटन हिंदी के लिए दे देंगे कंट्रोल 5, तो यहाँ फिर से असाइन करेंगे और क्लोज कर देंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी, यहाँ पे अपन जाए कभी देव करे और यहाँ पे जाके 16 कर देंगे, इसको एंटर करें, ये भी हो गया अपना, यहाँ जाकर इसको माइक्रो को फिर से स्टॉप कर देंगे। अब ये अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों हो चुका है, अब अपन देखिए टाइपिंग करके देखते हैं, ठीक है? मान लीजिए पहले जस्ट आ लिटिल, तो अपन ने जो अभी अपना नॉर्मल चल रहा था अपन ने क्या इंग्लिश के लिए कंट्रोल 4 और हिंदी के लिए कंट्रोल 5 दिया है। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले अपना जैसे मान लो ये लिखा हुआ है तो इसको अपन टाइप करेंगे फिर से, तो अपन को इंग्लिश करना है, देखिए यहाँ हिंदी है ना, अब मैंने कंट्रोल 4 किया तो ये ऑटोमेटिक इंग्लिश हो गई, और ये मैंने की बना ली थी लिटिल, फिर मैंने कंट्रोल 5 करा तो हिंदी चालू हो गया। इससे आप बहुत आसानी से तरीके से आप स्पीड से टाइपिंग को कर सकते हैं। फिर मैंने 5 किया हिंदी आ गया, फिर 4 किया, अब वहाँ से और यहाँ पर कितना अंतर है देखिए, फिर मैंने इंग्लिश किया और यहाँ पे टाइप करा फिक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड,
सा आसान तरीका है इसको टाइपिंग करने का, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो आप लोग फ्रेंड्स आसानी से हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स वाली मैं वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए। ये बहुत आसान और बहुत फास्ट तरीका है टाइपिंग को हिंदी इंग्लिश करने का, क्योंकि कहीं पर भी आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको पूरा हिंदी हिंदी फॉर्मेट नहीं मिलता है, या वो फॉर्मेट न्यूमेरिकल हो सकता है, हिंदी इंग्लिश हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं। तो आप लोग कैसे जल्दी तरीके से करेंगे, अपनी खुद की शॉर्टकट की बना के ऐसे बना के आप कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आसानी से इस तरीके से। आप मतलब ये की बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, और आप यहाँ से कुछ भी ऐसी कमांड को आप की बना सकते हैं जिसे आप आसानी से बार बार कर रहे हैं और वो रिपीट होती है यहाँ पे बार बार, तो मैक्रो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है इसमें। तो आप लोग ऐसे ही बनाएं और आसानी से हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करें, इससे आपकी स्पीड समझ लीजिए मैटर में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बस।